दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करें आईपीओ की और आज देखेंगे 22 दिसंबर को सभी आईपीओ के अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहे हैं। बात करें आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के अंदर क्या गिरे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला और कितना सब्सक्रिप्शन आया और इसके अंदर क्या करना चाहिए। और साथ साथ में देखा जाए इनोवा कैपटेप आईपीओ का आज सेकंड डे है और इसके अंदर आज के डेट के अंदर क्या सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और क्या गिरे मार्केट प्रीमियम फिलहाल ट्रेंड कर रहे हैं। और साथ साथ में देखें आरबीजेड ज्वेलर्स लिमिटेड और मोती सन्स ज्वेलर्स के अंदर भी क्या तेज़ी बनी हुई है और क्या गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड करें। सारी बात सारी चीज़ वीडियो में डिस्कस करेंगे। से पहले कहूंगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट करा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते करें। आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में फिलहाल दिखाया तो अभी तक क्या सब्सक्रिप्शन आया, लाइव स्टेटस क्या चल रहा है और क्या गिरे मार्केट प्रीमियम चल रहा है उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल दिखाया तो क्यूआईबी के जरिए जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला करीब करीब 1 से 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है और अमाउंट भी करीब करीब 225 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है। और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स के जरिए जो सब्सक्रिप्शन आया है करीब करीब 24 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और अमाउंट भी 2690 करोड़ का अमाउंट लगा है। जो अबव 10 लाख है जो बिलो 10 लाख है वो भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं करीब करीब 21 टाइम और 31 टाइम तक का ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसी के साथ में बात करेंगे रिटेल की। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और करीब करीब 11 से 12 टाइम तक का वर सब्सक्रिप्शन हो चुका है रिटेल का। नहीं कह सकते हैं 12 में से किसी एक को ही आईपीओ मिल सकता है अभी तक का। और जो अमाउंट देखने को मिला 3030 करोड़ तक का अमाउंट लग चुका है इस आईपीओ में। ओवरऑल अगर बात करेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में जो अभी तक बिड आई है करीब करीब 11 से 12 टाइम तक का फुली वर सब्सक्राइब हुआ और अमाउंट भी करीब करीब 5970 करोड़ तक का अमाउंट भी लग चुका है इस आईपीओ में। और आईपीओ में डिटेल में बात करते हैं अगर डे बाय डे देखा जाए तो फर्स्ट डे कुछ खास रुझान दिखा नहीं, करीब करीब 3 से 4 टाइम तक आया था। कल इसका सेकंड डे था और कल के दिन में करीब करीब इस आईपीओ के अंदर 11 से 12 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। सबसे ज़्यादा रिटेल ही इसके अंदर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। चलो आईपीओ के और भी क्या अपडेट है गिरे मार्केट प्रीमियम वो भी देखते हुए आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड आईपीओ के डे बाय डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो फिलहाल देखा जाए आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है। 20 तारीख को ये आईपीओ स्टार्ट हुआ था और आज है 22 दिसंबर और आज आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का जो प्राइस है हाईएस्ट प्राइस बैंड 524 रुपये पे ये आया हुआ था और 4894 रुपीज़ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। करीब करीब इसके अंदर देखा जाए तो करीब करीब 70% तक का अभी भी इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली। जब से ये आईपीओ आया हुआ था कब से करीब करीब ये 80-85 तक का गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा था, लेकिन आज के डेट में कल थोड़ा गिरावट देखने को मिली, 70% आ गया और आज भी करीब करीब ये इसके अंदर 70% तक की तेज़ी देखने को मिली। नहीं कह सकते 370 रुपये का इस आईपीओ के अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। उम्मीद की जा रही है आईपीओ के अंदर 80-90% तक की इसके अंदर हमको लिस्टिंग देखने की उम्मीद की जा सकती है आज की डेट में। फिलहाल आज इसका आखिरी दिन है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर तेज़ी बनने की उम्मीद है। जैसा भी रोजाना डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर। बात करें इनोवा कैपटेप लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में, देखा तो ये आईपीओ कल फर्स्ट डे था, आज इस आईपीओ का सेकंड डे है। क्या सब्सक्रिप्शन आया उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इसके अंदर सब्सक्रिप्शन की, क्यूआईबी के जरिए यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन के जरिए अभी तक 44% ही सब्सक्रिप्शन भरा है और अमाउंट करीब करीब 50 करोड़ तक लग चुका है। मेन बॉडी आईपीओ है जिसके अंदर नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के जरिए वन टाइम आईपीओ फुली वर सब्सक्राइब हुआ और अमाउंट भी 85 तक लग चुका है। जो अबव 10 लाख थे जो बिलो 10 लाख थे उसका देखा जाए तो करीब करीब 53% और करीब करीब 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है। और बात करेंगे रिटेल की। हम जैसे आप जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और करीब करीब 2 टाइम तक का रिटेल का भी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल चुका है और अमाउंट भी देखा जाए तो करीब करीब 452 करोड़ तक का अमाउंट भी इस आईपीओ में लग चुका है। ओवरऑल अगर आप सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं तो टोटल सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ के अंदर करीब करीब 1 से 2 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आ चुका है और 587 करोड़ तक का आईपीओ के अंदर अमाउंट भी लग चुका है। आईपीओ और गिरे मार्केट प्रीमियम वगैरह वो देख लेते हैं। उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करें। इनोवा कैपटेप लिमिटेड आईपीओ के डे बाय डे गिरे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो आज के डेट में जो गिरे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है वो देखेंगे। कल आईपीओ का सब्सक्रिप्शन ओपन हुआ था 21 तारीख को, आज है 22 दिसंबर 2023 और फिलहाल आईपीओ की जो प्राइस है हाईएस्ट प्राइस बैंड 448 रुपये आईपीओ आया हुआ है, करीब करीब 548 पर करीब 100 रुपये तक का इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। स्टार्ट में देखा जाए तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले ये आईपीओ करीब करीब 40-50% पर ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली जिसका असर आईपीओ पे भी देखने को हुआ और करीब करीब ये 22% तक के गिरे मार्केट प्रीमियम पर ट्रेंड कर रहा है। फिलहाल आज इसका सेकंड डे है और उम्मीद की जा रही है आईपीओ के अंदर भी अच्छी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। अक्सर वीडियो में बताता हूँ अगर कोई आईपीओ 30-40% पे भी अगर लिस्ट होता है तो उसको बम्पर लिस्टिंग देखी जाती है। उम्मीद की जा रही है इस आईपीओ के अंदर भी हमको बम्पर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे कर रहे हैं मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में, अगर शेड्यूल देखा जाए तो ये आईपीओ आया, क्लोज भी हो गया, उसका कल के डेट में इसका बेसिक अलॉटमेंट भी देखने को मिला। आज इस आईपीओ का रिफंड भी है और डीमेट अकाउंट में भी करीब करीब आज शाम तक
डेटा सुबह तक आ जाएगा। फिलहाल देखा जाए तो इसके बाद मंडे को इसकी लिस्टिंग मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहे हैं वो देख लेते हैं, और साथ साथ में इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन किस तरह लिया। बात करें मोती सन्स ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ की डे बाई डे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो फिलहाल देखा जाए आज की डेट में जो ग्रे मार्केट प्रीमियम ट्रेंड कर रहा है उसको देख लेते हैं। आज है 22 दिसंबर 2023। आईपीओ का जो प्राइस था करीब 55 रुपीज़ पे यह आईपीओ आया हुआ था, और आज की डेट में करीब करीब 85 रुपीज़ का इसके अंदर प्रॉफिट देखने को मिला। नहीं कह सकते हैं 55 रुपये का यह आईपीओ 140 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और ये कह सकते हैं 155% तक इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली है। देखा है तो यह आईपीओ 18 तारीख को स्टार्ट हुआ था, 20 तारीख को क्लोज हो गया, और कल के दिन में इसके अंदर अलॉटमेंट भी हो गया। अलॉटमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। देखा है तो जब से यह आईपीओ आया था करीब करीब उसने हाई भी अपना करीब 200% तक का लगा चुका था, लेकिन 2 दिन से मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी थी मार्केट में, जिसका असर यह आईपीओ के ऊपर भी देखने को मिला। उम्मीद की जा रही है ये आईपीओ के अंदर भी हमको 200% तक की इसके अंदर लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल देखा जाए जैसा भी रुझान रहा डे बाई डे वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। मंडे के दिन इसकी लिस्टिंग है, लिस्टिंग गेन किस तरह लिया जाए और किस तरह करेंगे वही वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड आईपीओ के लाइव स्टेटस के बारे में देखा जाए तो ये आईपीओ आया और क्लोज भी हो गया, और अभी तक इसने क्या सब्सक्रिप्शन आया उसको देख लेते हैं, और कितना चांसेस रहेगा इस आईपीओ के अंदर भी अलॉटमेंट मिलने का। बात करेंगे QIB, इसके जरिए करीब करीब 13 से 14 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और अमाउंट भी 188 करोड़ तक का अमाउंट भी इसके अंदर आ चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर के जरिए 9 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन आया, और करीब करीब 78 करोड़ तक का अमाउंट भी इसके अंदर लग चुका है। जो अबाउट 10 लाख थे, जो दो बिलो 10 लाख थे, करीब करीब 7 टाइम और करीब करीब 14 टाइम इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। तो बात करेंगे रिटेल की, सबसे मेन मुद्दा आता है रिटेल का, रिटेल इन्वेस्टर किस में ज़्यादा अपना रुझान दिखा रहे। फिलहाल देखा है तो आज के डेट में रिटेल सबसे ज़्यादा SBI में देखने को मिला, लेकिन मेन बोर्ड IPO में करीब करीब कल के डेट में 25 टाइम तक का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, और अमाउंट भी 866 करोड़ तक का अमाउंट भी देखने को मिला। अगर टोटल सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, 16 से 17 टाइम ये आईपीओ फुल्ली ओवर सब्सक्राइब हुआ, और अमाउंट भी 1,332 करोड़ तक का इस आईपीओ के अंदर अमाउंट भी लगता हुआ देखने को मिला। चलो आईपीओ के और भी क्या अपडेट है साथ साथ में वो भी देख लेते हैं, उससे पहले कहूँगा चैनल को लाइक करते चलो।